आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो को पूरा देखना। मैं बता देता हूं कि बहुत सारे चैनल अभी इस टाइम पर डीमोनेटाइज हो रहे हैं और हो सकता है कि आप आगे जाके कोई गलती करो और आपका चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाए। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने चैनल पर इतनी मेहनत करते हो और 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते हो, उसके बाद अपने चैनल को आप मोनेटाइज करते हो और मोनेटाइज करने के बाद आप सोचते हो कि यूट्यूब से आप लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी गलती की वजह से अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज होता है तो कितना ज्यादा बुरा लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिनसे भी मेरी इंस्टाग्राम पर वॉइस कॉल पर बात होती है उनमें से काफी सारे चैनल जो है डीमोनेटाइज हो गए उन मेरे व्यूअर्स के। मैं आपको बता दूं मेरे व्यूअर्स जो है उनके चैनल पर चाहे 10,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 5,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 5,00,000 सब्सक्राइबर हो, उनके चैनल डीमोनेटाइज हो गए हैं। अब वो गलती क्या करते हैं वो आपको सीखना इस वीडियो को देखकर है कि अगर आप चाहते हो अपना चैनल सिक्योर रखना और आप चाहते हो यूट्यूब से लाइफ टाइम तक पैसे कमाना और आप चाहते हो कि आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज ना हो, तो मैं जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं उसको आप अपने दिमाग में बैठा लो और हमेशा अपने चैनल पर मेरी बातें फॉलो करके रखना। आपका चैनल डीमोनेटाइज होता क्यों है, सबसे बड़ी चीज यहां पर है। देखो गाइज, जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आ जाता है तो आपको अपना कंटेंट रखना है, पहली बात तो ये, किसी दूसरे का कंटेंट यूज नहीं करना है वरना आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा अगर आप किसी का दूसरा कंटेंट यूज करते हो तो। आपका कंटेंट होना चाहिए खुद का जिसमें आपका वॉइस ओवर हो या फेस कैम हो, इस बात को याद रखना। दूसरे का क्लिप या कुछ भी वीडियो आप यूज करते हो अपने वीडियो के अंदर में तो हो सकता है आपको रियूज कंटेंट आ जाए क्योंकि आपका ना उसमें वॉइस ओवर है ना फेस कैम है, आपने सिर्फ वीडियो एडिट किया और डाल दिया अपने चैनल पर, ऐसे में आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन, मिसलीडिंग मेटा डाटा। आप हमेशा अपनी वीडियो का टाइटल या डिस्क्रिप्शन टैग सेम नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। वीडियो का टाइटल आपका हमेशा अलग रहेगा, डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, टैग अलग रहेगा अपने वीडियो का, थंबनेल आपको एक थंबनेल को बार बार अपनी वीडियो में यूज नहीं करना है। बहुत सारे क्रिएटर ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज होता है और यूट्यूब रीजन जो देता है वो देता है मिसलीडिंग मेटा डाटा का। करंटली इनएलिजिबल, करंटली इनएलिजिबल का मतलब ये होता है कि वो जिनका भी चैनल मोनेटाइज हुआ था, जिनके चैनल पर पहले करंटली इनएलिजिबल आया था या नहीं आया था लेकिन उन्होंने कैसे भी अपने करके अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया, लेकिन उन्होंने फिर दिमाग लगाया और यहां पर क्या किया, स्टार्टिंग में 10 सेकंड 5 सेकंड का वॉइस ओवर करते हैं, पूरी वीडियो खाली रहती है, लास्ट में 10 सेकंड 5 सेकंड का वॉइस ओवर करते और अपने चैनल पर वीडियो को डाल देते हैं। ऐसे में बीच में जो वीडियो पूरी खाली रहती है और लास्ट में 10-5 सेकंड का वॉइस ओवर करते हैं और इनको लगता है कि ऐसी वीडियो डालकर आप YouTube से पैसा कमा सकते हो, तो अगर आप ऐसी वीडियो रखे हो अपने चैनल पर तो उनको भी रिमूव करो, डिलीट करो, वरना आपका चैनल डीमोनेटाइज जाएगा और YouTube रीजन दे देगा आपको करंटली इनएलिजिबल। ये था तीसरा रीजन। चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन है कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद यहां पर क्या बहुत सारे गलती कर रहे हैं। आपको बता दूं, नए क्रिएटर हो आप लोग तो कभी भी आपको अपने फोन से अपनी वीडियो को नहीं देखना है, इस बात को याद रखना। अगर आप अपने फोन से अपनी वीडियो को देखते हो और उस वीडियो का एड भी देखते हो और आपका चैनल भी मोनेटाइज है तो यहां पर आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ जाएगा और जिसकी वजह से हो सकता है आपका चैनल बर्बाद हो जाए और आपका चैनल फिर दोबारा से कभी मोनेटाइज ना हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कभी भी अपने फोन से अपनी वीडियो को नहीं देखना, अगर आपको अपनी वीडियो देखना है तो उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर देना जिससे आपके चैनल पर कभी भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ना हो। यह था चार रीजन। पांचवा रीजन क्या है, एक वीडियो को कभी भी अपने चैनल पर दो बार अपलोड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ऐसा गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि कुछ थोड़ा सा एडिट करके उस वीडियो को दोबारा से हम अपलोड कर देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उसकी वजह से भी रियूज कंटेंट आ जाएगा। और यहां पर छठा रीजन क्या है जो गलती आप लोग करते हो, आप लोग क्या करते हो, कोई भी सोशल मीडिया से वीडियोस को उठाते हो और उसको आपस में एडिट करते हो, मर्ज करते हो और यहां पर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो। व्यूज तो आपकी वीडियोस पर काफी ज्यादा अच्छे से आ जाते हैं और हो सकता है कि आप उस वीडियो से काफी ज्यादा अच्छी खासी अर्निंग कर लो, लेकिन आपका चैनल YouTube के एल्गोरिथम में पकड़ा गया तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो जिनके भी चैनल मोनेटाइज है तो ये छह गलती कभी मत करना। अब यहां पर सलूशन क्या है और कैसे आप अपने चैनल को सिक्योर करके रख सकते हो, तो सबसे पहले चीज, आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं करना, आपको अपना कंटेंट देना है YouTube को। YouTube ये कहता है कि 80% काम आपका होना चाहिए जिसमें या तो आपका वॉइस ओवर हो या तो आपका फेस कैम हो और आपको अपनी क्रिएटिविटी वीडियो में दिखाना है, ठीक है, दूसरे का कंटेंट यूज करना नहीं है और
ना ही अपनी वीडियो को आपको देखना है और ना ही आपको कभी भी मिसलीड करना है, ना ही आपको करंटली इनएलिजिबल करना है, ना ही रियूज कंटेंट करना है अपने चैनल पर। मतलब कि ये तीनों क्राइटेरिया आपको अपने चैनल पर कभी भी नहीं करना है जिससे आपके चैनल पर रियूज कंटेंट, मिसलीडिंग मटेरियल और करंटली इनएलिजिबल आए। और कभी भी आपको अपने मोबाइल से अपनी वीडियो को नहीं देखना, जिसका मतलब अगर आप देखते हो तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ जाएगा और परमानेंटली आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। इस बात को याद रखना, जो मैंने बताया उसको आप दिमाग में बैठा लो। नए यूट्यूबर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जो कि आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरी ऐसी जनरल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।